मुझे और कुछ नहीं सुनना, मुझे अभी के अभी अपने अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर चाहिए तो चाहिए। मैं अपने दोस्तों को जुबान दे चुका हूँ, मैं अपनी और इंसल्ट नहीं करा सकता। बेटा, मैंने 10,000 रुपए आपको पिछले महीने दिए थे ना। अच्छा, वो उनका तो मैंने अपनी बुलेट में साइलेंसर लगवा लिया। 10,000 रुपए का साइलेंसर, ऐसा कौन सा लगवा लिया बेटा? अरे आप क्या समझोगे, ये हमारे यंगस्टर्स के मतलब की चीज है। आप फिलहाल मुझे पैसे भेज दो, मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ रोड ट्रिप पे फिलहाल। बेटा, इस महीने मेरा बैंक बैलेंस नहीं बन रहा, और अगले महीने देख लेना अपने ट्रिप वगैरह के बारे में। मेरे सारे दोस्त तो कल ही जा रहे हैं, अगले महीने जाके क्या करूंगा, मेरे अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर करो आप। बेटा, आपको पता है पेंशन ही तो मिल रही है, पेंशन में बड़ी मुश्किल से घर के खर्चे पूरे होते हैं, और हर महीने 10,000 रुपए वो भी ट्रिप वगैरह जो फिजूल खर्चा है उनके लिए, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। आप खुद देखो इसको। अच्छा, अब एडजस्ट भी हम ही करें? आप एडजस्ट भी नहीं करोगे? आपकी खुद की लाइफ तो इतनी बोरिंग हो रखी है, आप क्या चाहते हो साथ साथ हमारी लाइफ भी इतनी बोरिंग हो जाए? मेरी किया कभी आपने कोई डिमांड पूरी आज तक? गाड़ी के लिए बोला, गाड़ी नहीं दिलाई, अब ट्रिप के लिए बोल रहा हूं, उसके लिए पैसे नहीं आपके पास? मेरी जिंदगी बर्बाद करनी है तो ऐसे ही बता दो, ये पैसे का बहाना भी क्यों दे रहे हो बार बार? देखो बेटा, जहां पैसे की बस पापा, नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, मैं खुद अरेंज कर लूंगा। बेटा मेरी बात सुन, बैठ रहे। तू ठीक कह रहा था बेटा, अच्छा हुआ तूने अपने पापा को बोल दिया, एक्चुअली हमारी लाइफ में तो फन है ही नहीं। अच्छा बोल, तुझे कितने पैसे चाहिए? बस 10,000 रुपए चाहिए थे। 10,000? 10,000 बेटा मेरे पास है तो, लेकिन वो मैं तुझे दे नहीं सकती क्योंकि वो मैंने किसी और चीज के लिए सेव किए हुए हैं। मैं सोच रही थी बेटा, मैं और तेरे पापा, तेरी वो नई बाइक है ना, उस पर कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जाए। इस उम्र में ड्राइव पर कहाँ जाओगे माँ आप? हाँ, हम दोनों जाएंगे, मैं और तेरे पापा, कितना मजा आएगा। इनफैक्ट हम तो एक हनीमून भी प्लान कर रहे हैं। अरे, इस उम्र में आप हनीमून पे जाओगे? लोगों के बारे में सोचा आपने, क्या कहेंगे? अरे बेटा, लोगों का क्या है, लोग तो सोचते रहते हैं, अब उनकी वजह से हम फन करना छोड़ दें। अब तू खुद सोच, तेरे पापा और मैं किसी बीच पर बैठे हैं और मजे कर रहे हैं और बियर पी रहे हैं, आह क्या मजा आएगा। बियर? आप और पापा बियर पी रहे हो? हाँ बियर, और वो तुम यंगस्टर क्या कहते हो, स्मोक अप। स्मोक अप? हाँ बेटा, स्मोक अप, उसके बाद एवरीथिंग फील्स लाइक हेवन। क्या माँ, कुछ भी बोल रहे हो, दिमाग तो ठीक है ना आपका? अरे बेटा, अभी तो तू कह रहा था कि आप फन नहीं करते, आपकी लाइफ में फन नहीं है, और जब हम फन कर रहे हैं तो अब तू मुंह बना रहा है। इस उम्र में ये सब करोगे अच्छा लगेगा क्या? हाँ बेटा, जो तू कर रहा है ना वो तुझे अच्छा लगता है। और तू क्या कह रहा था अपने पापा को कि तुमने मेरे लिए क्या किया है? हाँ बेटा, उन्होंने तेरे लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने तेरे को पाला पोसा पढ़ाया लिखाया, तेरी हर ख्वाहिश हर मांग पूरी करी, तेरे खर्चे उठाए, उन्होंने लोन लेके तुझे बाइक दिलाई ताकि तेरे फेस पर स्माइल आ सके, और तू उनको क्या बोला कि तुम्हारी लाइफ में फन नहीं है, आप कुछ करते नहीं हो। बेटा, हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हम जैसों का फन तुम जैसों को एंजॉय में सेक्रीफाइस हो जाता है, पर तू ये बात क्यों समझेगा, लेकिन अब हम समझ चुके हैं। माँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आई एम रियली सॉरी माँ। पापा को भी मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो माँ, सॉरी माँ, सॉरी। बेटा सॉरी अपने डैड से बोल, क्योंकि जो कुछ बोला है तूने अपने डैड से बोला है, और जब वो तुम्हें माफ कर देंगे तभी मैं माफ करूंगी। जी माँ। पापा, आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे आपसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी, सॉरी पापा। जाने अनजाने में मैंने आपको पता नहीं क्या क्या कह दिया, और पता नहीं मैंने कितने पैसे आपके फिजूल खर्ची में खराब किए हैं, मेरे से गलती होगी पापा, मुझे माफ कर दो, आई प्रोमिस मैं वो आपका बहुत अच्छा बेटा बन के दिखाऊंगा, मुझे माफ कर दो पापा, मुझे माफ कर दो, सॉरी पापा।
सॉरी कह ही रहा है, तो उसको माफ कर दो ना, बच्चों से गलतियां ही हो जाती हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि इनको माफ कर दें और एक अच्छा रास्ता।